तो लेट्स स्टार्ट विथ द टॉपिक ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस में दो पार्ट्स हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चीज़ों को तोड़ना, टू ब्रेक थिंग्स, और इंटीग्रेशन जस्ट उसका उल्टा है। इंटीग्रेशन में हम चीज़ों को एडअप करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को एडअप करके वी फाइंड द टोटल ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो बिफोर वी स्टार्ट विथ कैलकुलस, द फर्स्ट थिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड इज फंक्शन। वॉट इज फंक्शन? फंक्शन इज नथिंग बट ए फॉर्मूला जो कि हमें दो अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में आपस में बताता है कि रिलेशनशिप क्या होगी। बहुत सारे फॉर्मूले हमने इससे पहले भी पढ़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ 9th 10th क्लास में। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मोमेंटम के बारे में मालूम है, एम वी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये सब क्या है? फॉर्मूले हैं, ये फंक्शन भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला वाला फॉर्मूला एफ बराबर जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर टेल्स अस कि फोर्स एक वेरिएबल डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? वन बाय आर स्क्वायर का फंक्शन है फोर्स। तो अगर हम किसी दो मासेस की दूरी दो गुना बढ़ा दें तो उनके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4 टाइम हो जाएगा। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर किसी बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी का फंक्शन है। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी को हम दो गुना कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चार गुना बढ़ जाएगी। ये सब एग्जाम्पल फंक्शन के ही हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है वो ये कि पहली बात तो इक्वेशंस को हमको फंक्शंस के रूप में ट्रीट करना पड़ेगा। ये सब वेरिएबल्स हैं, इनमें से कोई भी चीज़ वेरी करेगी तो एफ भी वेरी करेगा, मोमेंटम भी वेरी करेगा, काइनेटिक एनर्जी भी वेरी करेगी। तो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज द फॉर्मूला या रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। मैथमेटिकली फंक्शन लिखने का तरीका है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। वी से y इज ए फंक्शन ऑफ x। ये f सिंबल इज फॉर फंक्शन। यहां पे दो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल वो चीजें होती हैं जिनकी वैल्यू कैन वेरी। तो x और y की कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं है, दे कुड बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, दो मासेस m1 m2 कैन बी प्लेस्ड एट एनी सेपरेशन r। तो r इज ए वेरिएबल, और जब r वेरिएबल होगा तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी वेरिएबल होगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर किसी बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो सकती है, तो जब उसकी वेलोसिटी चेंज करेगी, वेलोसिटी वेरिएबल होगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल हो जाएगी। तो दिस इज हाउ वी राइट ए फंक्शन। दो चीजें हैं, एक वेरिएबल एक कॉन्स्टेंट। वेरिएबल वो चीजें जिनकी वैल्यू कैन वेरी, कॉन्स्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। वाई एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। वाई को बोलते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स को हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट फंक्शन जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कुड बी वाई इज इक्वल टू एक्स। मैथमेटिकली लिखने का तरीका इज इक्वल टू एफ एक्स। तो वाई जो है एफ एक्स के बराबर है, विच इज इक्वल टू एक्स। दिस हाउ वी राइट मैथमेटिकली। इसका क्या मतलब है? एक्स की वैल्यू जो भी हो, वाई की वही वैल्यू होगी। तो अगर मैं बोलूं कि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो अगर एक्स बराबर वन होगा तो वाई बराबर कितना होगा? वन होगा। इसको मैथमेटिकली वी ऑल्सो रिप्रेजेंट एज
क्योंकि y की वैल्यू fx के बराबर है और x की वैल्यू 1 है। इनपुट में क्या क्या x की वैल्यू कितनी है? 1। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी कितनी है? 1 के बराबर है। अगर मैं बोलूं f 0 कितना होगा? अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, एफ जीरो कितना होगा? एक्स की वैल्यू कितनी है? जीरो है, तो y की वैल्यू कितनी होगी? जीरो ही होगी। अगर मैं बोलूं एफ थ्री कितना होगा? एक्स की वैल्यू कितनी है? थ्री, तो y की वैल्यू जो कि एफ एक्स के बराबर है वो कितनी होगी? थ्री। अगर मैं पूछूं एफ माइनस टू कितना होगा? फंक्शन के अंदर क्या गया? एक्स गया। एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस टू, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि वाई एक्स के बराबर है, माइनस टू के बराबर। तो फंक्शन इज लाइक ए मशीन, फंक्शन इज लाइक ए मशीन। इस मशीन में अगर आप कोई इनपुट करते हो, से आपने 1 इनपुट किया, 2 इनपुट किया, 0 इनपुट किया, तो आपको एक आउटपुट मिलता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स में x इनपुट है और एफ एक्स आउटपुट है जो कि y के बराबर है। ये पहला फंक्शन था। सो हम लोग बात कर रहे थे फंक्शंस की। फंक्शन लिखने का तरीका y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एक सिंपल एग्जांपल किया था डिस्कस पिछली स्लाइड में, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सिमिलरली देर कुड बी सम मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आल्सो। फॉर इंस्टेंस y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, ये मैथमेटिकल नोटेशन है, वी कैन से एक्स स्क्वायर। इस बार y x के बराबर नहीं है लेकिन एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो अगर मैं बोलूं कि x की वैल्यू 1 हो तो इनपुट क्या है एक्स एफ फंक्शन में? एफ 1 किसके बराबर होगा? वाई के बराबर होगा। एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अगर एक्स की वैल्यू 2 हो तो एफ 2 कितना होगा? 4 हो जाएगा। एफ 2 फंक्शन के अंदर 2 गया तो फंक्शन का आउटपुट क्या है? वाई के बराबर है। एक्स की वैल्यू 2 होगी तो वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर मैं बोलूं एफ 0 कितना होगा? एफ 0 0 के बराबर ही होगा। एफ माइनस 1 कितना होगा? अगर एक्स की वैल्यू माइनस 1 है तो माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई के बराबर है, 1 के बराबर ही होगा। एफ माइनस 2 कितना होगा? 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम लिखेंगे सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर हो। सिमिलरली थोड़ा और कॉम्प्लेक्स फंक्शन देखते हैं। बोला जाए वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो फंक्शन क्या है? एक्स क्यूब है। इनपुट क्या होगा? एक्स। आउटपुट क्या होगा? वाई। अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो एफ 0, एक्स की वैल्यू क्या है? 0 है, तो वाई कितना होगा? 0 का क्यूब 0। एक्स की वैल्यू 1 है तो एफ 1 कितना होगा? 1, 1 क्यूब 1। एफ की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 2 है, फंक्शन के अंदर 2 जा रहा है, तो एफ 2 कितना हो जाएगा? 8। एफ माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस 8। माइनस 2 का क्यूब कितना होता है? माइनस 8। तो x ऑलवेज इनपुट का काम करेगा, उसका आउटपुट y के बराबर होगा। दिस इज हाउ वी कैन डिनोट द फंक्शन। इनपुट वैल्यू हमेशा आर्गुमेंट के अंदर आएगी, जो इनपुट वैल्यू x की वैल्यू, उसका आउटपुट y बाहर आएगा। सिमिलरली वी कुड हैव अ फंक्शन, लेट अस से वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स,
एक्स की वैल्यू फंक्शन के अंदर आएगी, आउटपुट वाई के बराबर होगा, तो एफ वन कितना होगा, वन होगा। एफ टू कितना होगा, वन बाई टू के बराबर होगा। एफ फोर कितना होगा, वन बाई फोर के बराबर होगा। एफ वन बाई टू कितना होगा, अगर एक्स की वैल्यू वन बाई टू रख दी जाए तो वाई की वैल्यू टू आ जाएगी। और एग्जांपल करते हैं डिस्कस। लेट अस से वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इस बार एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनपुट एक्स है और आउटपुट साइन एक्स के बराबर है। तो अगर एक्स की वैल्यू, अगर हम एक्स को रेडियंस में लें, एंगल को अगर लें रेडियंस में, अगर एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो एफ जीरो, एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। एफ पाई बाई फोर, पढ़ा हुआ है 9th-10th क्लास में, साइन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है, वन बाई रूट टू के बराबर होती है। एफ पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, वन के बराबर होगी। एफ पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री मतलब 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है, रूट थ्री बाई टू। एफ पाई बाई सिक्स, 30 डिग्री के बराबर है पाई बाई सिक्स, साइन 30 कितना होता है, वन बाई टू। तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकते हैं फंक्शंस, वी कुड हैव एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आल्सो, और लॉगरिथमिक फंक्शंस, और सम कॉम्प्लेक्स फंक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस टू। तो एफ ऑफ जीरो कितना होगा, वन बाई टू होगा। अब समझ में आना चाहिए अपने आप। एफ ऑफ थ्री कितना होगा, एक्स की वैल्यू थ्री रखी गई तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाई फाइव आ जाएगी। एफ माइनस वन कितना हो, एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू माइनस वन यहां पुट कर देंगे, माइनस वन, वन अपॉन माइनस वन प्लस टू कितना आ जाएगा, वन अपॉन वन इक्वल्स टू वन। तो इस तरीके से पहली बात तो हमें इस नोटेशन से क्लियर होना चाहिए कि जब हम फंक्शन लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, इस एफ एक्स सिंबल का मतलब क्या है। कोई इनपुट होगा, उसका कुछ आउटपुट होगा। बहुत सारे ऐसे बन सकते हैं फंक्शन, सिंपल फंक्शन हो सकते हैं, दे कुड बी कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑल्सो। सो दो तीन एग्जाम्पल और करेंगे डिस्कस अभी, थोड़े से कॉम्प्लेक्स। लेट अस से एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। सिंपल सा फंक्शन है। कोई पूछे कि बताइए एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी। ये मैथमेटिकल नोटेशन है, लिखने का तरीका है बस, वो हमको सीखना है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। तो क्या करना है इसमें, ये फंक्शन है, उसके अंदर क्या है, एफ जीरो है, तो इनपुट क्या है, एफ जीरो है। एफ जीरो इनपुट है, लेकिन एफ जीरो क्या है, एफ जीरो वी कैन फाइंड फ्रॉम हियर। एफ जीरो कितना हो जाएगा, जीरो प्लस टू टू हो जाएगा। तो बेसिकली एफ ऑफ जीरो का मतलब एफ ऑफ टू, क्योंकि एफ जीरो टू के बराबर है। और एफ टू कितना हो गया, जब एक्स की वैल्यू टू रखी जाएगी तो क्या आउटपुट आएगा, टू प्लस टू फोर।
एक और एग्जांपल करते हैं। मान लिया जाए एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि एक्स स्क्वायर के बराबर है, दूसरा फंक्शन है जी जी एक्स एक्स प्लस टू के बराबर हो। कोई पूछे कि बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ वन, दिस इज हाउ वी से एफ ऑफ जी ऑफ वन, क्या किया जाए? फंक्शन एफ, ये वाला फंक्शन जो कि एक्स स्क्वायर के बराबर है, अगर उस फंक्शन में एक्स इनपुट होगा तो आउटपुट एक्स स्क्वायर का होगा, कि अंदर क्या है, जी वन है। जी वन कितना है? जी कौन सा फंक्शन है? एक्स प्लस टू। अगर जी के अंदर वन इनपुट होगा तो जी वन कितना हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। तो फंक्शन के अंदर जी वन इनपुट होने का मतलब क्या है? ये बेसिकली एफ थ्री के बराबर है, और एफ थ्री जब एक्स की वैल्यू थ्री रखी जाएगी तो आउटपुट कितना आ जाएगा? नाइन आ जाएगा। ठीक, मुश्किल चीज नहीं है, बस एक नई चीज है। दिस इज हाउ वी राइट द फंक्शंस। अगर बात की जाए वाई इज इक्वल टू एफ, फंक्शन के अंदर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, अगर ये फंक्शन हो, बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो, पूछा जाए कि एफ वाई कितना होगा। सवाल है अगर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है विच इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो एफ वाई की वैल्यू कितनी होगी? चेक करते हैं, फंक्शन में क्या इनपुट है? वाई है। यहां पे क्या इनपुट है? एक्स। जब इनपुट एक्स होता है तो आउटपुट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होता है, जब इनपुट वाई होगा तो आउटपुट वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन हो जाएगा, हो जाना चाहिए। अगर इनपुट जीरो होता तो आउटपुट जीरो माइनस वन अपॉन जीरो प्लस वन होता, अगर इनपुट वाई है तो आउटपुट वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन होना चाहिए। लेकिन वाई कितना है? वाई कितना है? वाई खुद बराबर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है। अब वाई की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस वन, ये कितना आ जाएगा? सिंप्लीफाई कर लें, सॉल्व कर लें इसको, न्यूमरेटर विल बिकम एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया, यहां से एक्स कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये? माइनस टू अपॉन वन से वन कैंसिल हो गया, टू एक्स विच विल बी इक्वल टू कितना? दिस विल बी इक्वल टू कितना? माइनस वन बाई एक्स। तो एफ वाई कितना हो जाएगा? एफ वाई विल बी इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स। फिर से बता रहा हूँ क्या किया गया, अगर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो पूछा जा रहा है कि एफ वाई की वैल्यू क्या होगी, मतलब एफ वाई कितना हो जाएगा? एक्स के जगह पे वाई इनपुट किया जाए, वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए? अगर एक्स के टर्म में निकाल रही हूँ, वाई की वैल्यू पुट कर दी जाए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, वाई की वैल्यू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस वन, सॉल्व किया जाए, एक्स प्लस वन दोनों में आ जाएगा डिनोमिनेटर, इट विल गेट कैंसल्ड, एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू, एक्स माइनस वन प्लस एक्स
प्लस वन, तो वन और वन कैंसिल हो जाएगा, टू एक्स इट विल बी इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स, तो एफ वाई विल बी इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स। सो वी हैव सीन दैट कि बहुत सारे टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं, और अगर कोई भी फंक्शन हमको मालूम है, कोई भी फॉर्मूला हमको मालूम है, इट विल बी पॉसिबल फॉर अस टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अब फिजिक्स के सिलेबस में ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ बनाने से कई बार चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से विजुलाइज हो जाती हैं, उनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, और कई बार टेस्ट में, एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी ग्राफ के ऊपर सीधे सीधे आ जाते हैं। तो हम लोग इस लेक्चर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप से ग्राफ यहाँ बनाएंगे, और उस ग्राफ के नेचर के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो ऑलमोस्ट जितने भी डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हम फिजिक्स के सिलेबस में पढ़ेंगे अगले 2 साल में, वो सारे ग्राफ्स हम ट्राई करेंगे यहीं पे बना लें एक बार। ओके, तो सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन जिसका ग्राफ बनाएंगे वो होगा y इज इक्वल टू लेट अस से 2, y इज इक्वल टू 2, x की कोई बात ही नहीं हो रही है। x की वैल्यू कितनी है हमें नहीं मालूम, x कुड बी एनीथिंग, लेकिन y तो हमेशा 2 रहेगा। इसका मतलब y वेरिएबल नहीं है, y कांस्टेंट है। ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ बनाया जाता है दो एक्सेस पे, एक एक्सेस पे x, एक एक्सेस पे y। x की वैल्यू अगर 0 हो तो y कितना रहेगा? 1, 2 रहेगा। x की वैल्यू अगर 1 हो तो y कितना रहेगा? 2 रहेगा। x की वैल्यू अगर 3 हो तो y कितना रहेगा? 2 रहेगा। एक्स की कोई भी वैल्यू हो, वाई की वैल्यू 2 ही रहेगी, तो ग्राफ कैसा होगा? ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। एक्स की कोई भी वैल्यू है, वाई की वैल्यू हमेशा यही रहेगी। इस साइड में क्या है? वाई एक्सिस है, इस साइड में एक्स एक्सिस है। तो अगर वाई एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो उसका ग्राफ एक्स वाई एक्सिस पे एक स्ट्रेट लाइन होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगला ग्राफ बनाएंगे वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बोल सकते हैं। एक्स की जो भी वैल्यू है, वाई की वैल्यू भी वही है। ग्राफ बनाते वक्त ध्यान दीजिए, हमें दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सिर्फ एक्स की वैल्यू वेरी कर रही होगी, वर्टिकल एक्सिस पे सिर्फ वाई की वैल्यू वेरी कर रही होगी। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी? 0 होगी। जब x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 कहां पर है? यहां पर होती है, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। वो पॉइंट ये हो गया। x की वैल्यू जब 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? फिर से 2 होगी। वो पॉइंट यहां हो गया। x की वैल्यू जब 3 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? फिर से 3 होगी। इन सारे पॉइंट्स को अगर हम आपस में जोड़ दें, हमने सिर्फ पॉइंट 1, 2, 3, 4 पे बनाया है, लेकिन इनके बीच वाले पॉइंट भी तो हैं। जैसे 0.5, जब एक्स की वैल्यू 0.5 तो वाई की वैल्यू 0.5, तो बीच वाले वैल्यूज भी तो हो सकती हैं एक्स की। ये तो रिक्वायरमेंट नहीं कि एक्स की वैल्यू सिर्फ इंटीजर ही हो, तो वाई की वैल्यू भी कुड बी एनीथिंग, जो भी एक्स की वैल्यू है। इन सारे पॉइंट्स को अगर जोड़ दें, वी गेट ए ग्राफ समथिंग लाइक दिस। अगेन इट अपियर्स टू बी ए स्ट्रेट लाइन, जो कि इंडीड स्ट्रेट लाइन है, और इट मेक्स 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एफ एस का ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन है, विच मेक्स 45 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। सो दो ग्राफ हमने बनाए, अगला ग्राफ बनाते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का। ऐसे सारे फंक्शन जिनमें एक्स की पावर भी 1 हो और वाई की पावर भी 1 हो, दोनों की पावर 1 होनी चाहिए, वो तो सारे फंक्शन हम लीनियर फंक्शंस बोलते हैं। और इन सारे लीनियर फंक्शंस के ग्राफ स्ट्रेट लाइन होंगे, तो ये ऑब्वियसली एक लीनियर फंक्शन है। अगर हम बोले एक्स बराबर 0 है
तो वाई बराबर टू हो जाएगा। एक्स बराबर अगर -2 ले लिया जाए तो वाई बराबर 0 हो जाएगा। एक लाइन बनाने के लिए हमें सिर्फ दो ही पॉइंट चाहिए, तो वाई और एक्स एक्सिस पे, जो एक्स एक्सिस है, एक्स बराबर 0 पे वाई बराबर 2 होना चाहिए। एक पॉइंट यहाँ पर होगा। एक्स बराबर -2 पर, एक्स बराबर -2, -1, -2, वाई बराबर 0 होगा। और पॉइंट देख लेते हैं। एक्स बराबर 1 पे वाई बराबर 3 हो जाएगा। एक्स बराबर 1 कहीं यहाँ होगा, तो वाई बराबर 2 और 1 3 हो जाएगा ये पॉइंट। इन सारे पॉइंट को जब आपस में जोड़ेंगे तो ऐसी एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी इस फंक्शन का ग्राफ। देयरफॉर एक स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें सिर्फ दो ही पॉइंट चाहिए। नेक्स्ट हम बनाते हैं ग्राफ y इज इक्वल टू -x + 4 फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ भी लीनियर होना चाहिए क्योंकि x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है। x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है। अगर x की वैल्यू हम इसमें 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू +4 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर हम 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए सिर्फ दो ही पॉइंट चाहिए हमें। ग्राफ बनाया जाए, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4। y की वैल्यू 4 कहाँ पे होगी? 1, 2, 3, 4। और इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 भी होगी। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इस पॉइंट पर होगी। तो इन दो पॉइंट्स को अगर आपस में जोड़ा जाएगा, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन समथिंग लाइक दिस। नीचे की तरफ ऐसे जाने वाली स्ट्रेट लाइन। अगर एक्स की वैल्यू हम प्लस से 2 ले लें तो वाई की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पर होगी, करस्पॉन्डिंगली वाई की वैल्यू भी 2 होगी। तो वो पॉइंट कुछ ये वाला पॉइंट होगा। ये ग्राफ भी लीनियर होगा। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें ग्राफ लीनियर ना हो। से y बराबर fx बराबर x2। इस बार x की पावर जो है वो 1 नहीं है, y की पावर भले ही 1 है। ऐसे फंक्शन में अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो हम x की डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं पहले। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू 9। सिमिलरली अगर हम इनकी नेगेटिव वैल्यू भी लें, एक्स की वैल्यू अगर रखें -1 तो वाई की वैल्यू -1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू अगर पुट करें -2 तो वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी। एक्स की वैल्यू अगर पुट करें -3 तो वाई की वैल्यू 9 हो जाएगी। एक्स की अलग अलग वैल्यूज से करस्पॉन्डिंग में वाई की अलग अलग वैल्यूज हैं, लेकिन इस बार जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। बनाते हैं ग्राफ। ये पॉइंट है ओरिजिन वाला 0 0। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू भी 0, तो ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा होगा। एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2 2 यहां पर होगी एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू सीधे 4, 1, 2, 3, 4 यहां पे कहीं पॉइंट होगा। एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू 9, वाई की वैल्यू 9 जो है कहीं ऊपर जाके आएगी इस पॉइंट पर। सिमिलरली जब एक्स की वैल्यू रखा जाएगा -1 तो वाई की वैल्यू 1 +1, एक्स की वैल्यू -2 तो वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू -3 तो वाई की वैल्यू +9। इन सारे पॉइंट्स को अगर आपस में जोड़ा जाए तो जो पैटर्न मिलेगा ग्राफ का वो तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है,
इनफैक्ट ऐसे फंक्शन को जिसमें एक्स या वाई की में से किसी एक की पावर में 2 हो, हम बोलते हैं वो पैराबोला है। इट रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला जो कि इस पर्टिकुलर केस में ओरिजिन से पास करने वाला होगा। और इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में अगर हम इस ग्राफ को लेट से लेफ्ट साइड से राइट साइड बनाएं एक कंटिन्यूस पेन को बिना उठाए हुए, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले हाथ को जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हो पहले हाथ को नीचे लाना पड़ेगा और फिर हाथ को ऊपर ले जाना पड़ेगा। जब हम हाथ को नीचे लेके आ रहे हैं हम बोलेंगे ये ग्राफ नीचे आ रहा है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। और जब हम ग्राफ को हाथ को ऊपर ले जा रहे हैं हम बोलेंगे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन मतलब वाई, वाई बराबर एफ एक्स। तो अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज करे और वाई की वैल्यू भी इंक्रीज करे तो हम बोलते हैं उस रीजन में फंक्शन इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज करने पे वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो तो हम बोलते हैं वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब हम लेफ्ट से राइट के टूवर्ड जा रहे हैं तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, -1, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एक्स की वैल्यू लेफ्ट से राइट के टूवर्ड्स इंक्रीज कर रही है। और एक्स की वैल्यू जब इंक्रीज कर रही है तो यहां से यहां तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, ग्राफ डिक्रीजिंग है। लेकिन 0 के बाद एक्स की वैल्यू बढ़ने पर ग्राफ इंक्रीजिंग हो गया और इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ग्राफ देख के हमको मालूम चल रहा है ये वाली वैल्यू। बहुत सिंपल सी बात है कि मान लीजिए आपको कोई भी ग्राफ दे रखा हो ऐसा ए बी सी डी, इस ग्राफ में अलग अलग पॉइंट्स हैं, यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई। तो ए से बी जाने पे ग्राफ ऊपर जा रहा है, हम बोलेंगे ए से बी तक फंक्शन इंक्रीजिंग है। बी से सी जाने पे ग्राफ नीचे आ रहा है, हम बोलेंगे बी से लेके सी तक फंक्शन डिक्रीजिंग है। और सी से डी जाने पे ग्राफ फिर से ऊपर आ रहा है, हम बोलेंगे सी से डी तक फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब कई बार हमें फिजिक्स के सिलेबस में एक्स क्यूब फंक्शन का ग्राफ के नेचर के बारे में भी मालूम होना चाहिए। जब एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो ऑब्वियसली वाई की वैल्यू भी चेंज होगी, हमें इसके ग्राफ का पैटर्न मालूम होना चाहिए। अगर एक्स बराबर 0 हो तो वाई बराबर 0 होगा, एक्स बराबर 1 होगा तो वाई बराबर 1 होगा, एक्स बराबर 2 होगा तो वाई बराबर 8 हो जाएगा। लेकिन जब एक्स की नेगेटिव वैल्यूज होंगी एक्स बराबर -1 तो वाई बराबर -1 होगा, -1 का क्यूब -1 होगा। एक्स की वैल्यू अगर -2 होगी तो वाई बराबर -8 हो जाएगा। अगर इन डिफरेंट एक्स की वैल्यूज को प्लॉट किया जाए तो करस्पॉन्डिंगली हमें वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी। ग्राफ बनाते हैं, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 0, मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से जा रहा होगा। ये भी फंक्शन लीनियर नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा क्योंकि एक्स की क्यूब है। जब एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई की वैल्यू 1 है, एक पॉइंट यहां पे लाई कर रहा होगा, एक्स की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग में वाई की वैल्यू 1 है। जब एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू सीधे क्या हो गई, 1 से लेके 8 पे चढ़ गई। मान लो 8 कहीं यहां पर है, एक्स बराबर 2 पे वाई की वैल्यू 8 यहां हो जाएगी। अगर हम नेगेटिव साइड में जाएं, एक्स की वैल्यू जब -1 तो वाई की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू जब -2 तो वाई की वैल्यू -8। इन सारे पॉइंट को अगर आपस में जोड़ें, दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ जो वाई बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ होगा।
इसका कोई नाम नहीं, इट इज़ नॉट कॉल्ड पैराबोला और एनीथिंग। ये वाई बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ, अगर इसके नेचर को करें डिस्कस, तो जब एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, कहाँ कर रही है एक्स की वैल्यू इंक्रीज, माइनस लेफ्ट से राइट की टूवर्ड्स, तो ग्राफ वाई की वैल्यू भी इंक्रीज करती जा रही है। व्हेन एक्स इंक्रीजेस वाई ऑल्सो इंक्रीजेस, ग्राफ हमेशा ऊपर जा रहा है। आपका हाथ अगर लेफ्ट से राइट के टूवर्ड्स मूव करेंगे इस ग्राफ को बनाने के लिए, तो वो हमेशा ऊपर जाएगा। दिस फंक्शन इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। अगला फंक्शन जो करते हैं डिस्कस, वो वाई बराबर एफ एक्स बराबर वन बाई एक्स है। मतलब वाई एक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मुझे फंक्शन मालूम है तो मैं उसका ग्राफ बना सकता हूँ। बस मुझे क्या चाहिए, मुझे x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ चाहिए। तो अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 1, तो y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। y बराबर 1 बाई एक्स, तो y विल बी इक्वल टू x बराबर 1, तो y बराबर भी 1। x की वैल्यू पुट करते हैं 2, तो y की वैल्यू 1 बाई 2 हो जाएगी। x की वैल्यू पुट करते हैं 3, तो y की वैल्यू 1 बाई 3 हो जाएगी। मतलब जो x की वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी, तो y की वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी। x की वैल्यू पुट करें अगर 1 बाई 2, तो y की वैल्यू 2 होगी। अगर x की नेगेटिव वैल्यू पुट करें, जैसे x बराबर माइनस 1, तो y बराबर माइनस 1 भी हो जाएगा। x बराबर माइनस 2, तो y बराबर माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स मिल गए, इनके बेसिस पर अगर हम चाहें तो ग्राफ बना लें। लेट्स से ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स की वैल्यू 1, तो वाई की वैल्यू भी 1। एक्स की वैल्यू टू इधर जाने पे एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो वाई की वैल्यू 1 बाई टू कहीं यहाँ आएगा। एक्स की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 1 बाई थ्री और छोटा होगा। x की वैल्यू 1 बाई टू यहां पर, तो y की वैल्यू 1 से 2 बढ़ गई। इन सारे पॉइंट्स को अगर हम आपस में जोड़ें, तो नेचर ऑफ ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस ऑन द राइट साइड ऑफ ओरिजिन। इनफैक्ट x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू इन्फिनिटी पर जाके टच कर रही है। x की वैल्यू जब कम हो रही है, तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और ऐसा ही कुछ जब x नेगेटिव होगा तब भी होगा, लेकिन जब x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है। x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव, कहाँ पे होगा वो? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो वो ग्राफ का पार्ट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। x बराबर माइनस 1 पे y बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 2 पे y बराबर माइनस 1 बाई 2, x बराबर माइनस 3 पे y बराबर माइनस 1 बाई 3। इन सारे पॉइंट को अगर आप जोड़ें, तो नेचर ऑफ द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। अब इस ग्राफ की अगर बात की जाए, तो इसकी एक खासियत यह है कि यह ग्राफ बीच में टूटा हुआ है। हम बोलते हैं ये डिसकंटिन्यूस ग्राफ है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि आप पेन को एक ही बार इस्तेमाल करते हुए बिना उठाए हुए बोर्ड से यू कैन नॉट मेक द ग्राफ। बीच में टूटा हुआ है। कहाँ टूटा हुआ है? जब एक्स की वैल्यू 0 है तो। और अगर हम बात करें कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, तो एक्सेप्ट एट एक्स बराबर 0, जहाँ पे हमको ग्राफ बनाने के लिए पेन को उठाना पड़ता है, यहाँ से यहाँ जाने पे भी फंक्शन डिक्रीजिंग है, हाथ नीचे आ रहा है। जब हम लेफ्ट से राइट के टूवर्ड जा रहे हैं, फंक्शन यहाँ भी डिक्रीजिंग है। इस पॉइंट पे हमने पेन को उठा लिया, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, फंक्शन अभी भी डिक्रीजिंग है। तो y बराबर 1/s का ग्राफ एक डिसकंटिन्यूस ग्राफ है, जो कि डिक्रीजिंग है, और या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगला ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 10x माइनस x स्क्वायर ग्राफ।
इस ग्राफ का नेचर कैसा होगा। ग्राफ बनाने के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर, एक्स की कुछ देखते हैं वैल्यूज और करस्पॉन्डिंगली हम फिर वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से, इस फंक्शन से। जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वाई की वैल्यू 0 होगी। सिंपली जब एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 0 आ ही जाएगी, मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा होगा। जब एक्स की वैल्यू 1 रखी जाए तो वाई की वैल्यू 1 रखने पे कितनी आ जाएगी, 10 - 1 9 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 2 रखने पे वाई की वैल्यू 20 - 4 16 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 3 रखने पे वाई की वैल्यू 30 - 9 21 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 4 रखने पे वाई की वैल्यू 40 - 16 कितना, 24 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 5 रखने पे वाई की वैल्यू 50 - 25 25 आ जाएगी। तो जब एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो वाई की वैल्यू भी अभी इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगर हम एक्स को 6 पुट करके देखते हैं क्या होता है। एक्स की वैल्यू 6 पुट करने पे वाई की वैल्यू 60 - 36 24 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 6 पुट करने पे वाई की वैल्यू 24 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 7 पुट करने पे 70 - 41 कितना, एक्स की वैल्यू 7 पुट करने पे 70 - 49 कितना, 21 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 8 पुट करने पे वाई की वैल्यू 80 - 64 16 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 9 पुट करने पे वाई की वैल्यू 90 - 81 9 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 10 पुट करने पे वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, 100 - 100। कुछ समझ में आ रहा है पैटर्न। इनका अगर ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्स की वैल्यू 1 पे वाई की वैल्यू बढ़ी 9 हो गई, 2 पर और बढ़ी 16 हो गई, 3 पर 21 हो गई, 4 पे 24 हो गई, 5 पे 25 हो गई, 6 पे 24 हो गई, 7 पे 21 हो गई, 8 पे 16 हो गई, 9 पे कितनी आई थी, 9 ही आ गई थी, और 10 पे 0 आ गई थी। इन सारे पॉइंट्स को अगर आपस में जोड़ा जाए द शेप ऑफ द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, इनवर्टेड यू शेप। एक्स की वैल्यू नेगेटिव पे भी अगर ऐसी कुछ टेंड करें कुछ ऐसा ग्राफ आना चाहिए। एक्स की वैल्यू 10 के आगे टेंड करें तब भी कुछ ऐसा ग्राफ आना चाहिए। तो ये ग्राफ होगा y बराबर 10x - x² फंक्शन का ग्राफ। यहाँ पे क्योंकि x की स्क्वायर की पावर है, आगे आप पढ़ोगे मैथ्स में कि ऐसा फंक्शन भी हम, इसका ग्राफ भी पैराबोला ही है, इसके शेप को भी हम एक टाइप का पैराबोला ही बोलते हैं, जिसका नेचर सिमिलर है y बराबर एक्स स्क्वायर का, बस वो उल्टा था, ऐसे था, यू शेप में था, ये उल्टा यू शेप। और ग्राफ के अगर पैटर्न की बात करें तो पहले एक्स की वैल्यू इंक्रीज करने पे वाई की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, यहां तक 5 तक, 5
पे, जब एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 25 है, वाई की मैक्सिमम वैल्यू है और एक्स की वैल्यू जब 5 के आगे जा रहे हैं तो वाई की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो पहले ये फंक्शन 5 तक, एक्स बराबर 5 तक इंक्रीजिंग है और फिर 5 के बियॉन्ड ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। अगला ग्राफ बनाते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वाई बराबर साइन एक्स। अब ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है क्योंकि अगर ये साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ मुझे मालूम है तो इस ग्राफ के बेसिस पे मैं बहुत सारे रिजल्ट्स को निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, साइन की वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगी, साइन की वैल्यू कब कब इंक्रीज करेगी, कब मैक्सिमम होगी, साइन की वैल्यू 0 कब होगी, साइन की वैल्यू 1/2 कब कब होगी, ये सारी बातें इस ग्राफ के बेसिस पे ही हम निकाल सकते हैं। तो वाई बराबर साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ होता है, याद रखने वाला बहुत आसान है याद रखने में, एक वेव्स टाइप का ग्राफ है। 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि एक्स बराबर 0 होने पे वाई बराबर 0 होगा और ये एक्स की अलग अलग वैल्यूज हैं, ये वाई की वैल्यूज हैं। दरअसल से हमने एक्स को डिग्रीज में ही लिया है, तो एक्स की वैल्यू 0 डिग्री तो वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू पाई बाई टू पर या हम बोलें 90 डिग्री पर, जब एक्स की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो साइन 90 1 के बराबर होता है। ये वैल्यू है 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री 0 के बराबर होता है और ये वैल्यू है 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है -1 के बराबर, वाई की वैल्यू -1 और ये वैल्यू है 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री बराबर 0 होता है। तो साइन फंक्शन का ग्राफ एक वेव नेचर का ग्राफ है और ओरिजिन से स्टार्ट करने वाला ग्राफ है और 0 से 90 डिग्री में एक्स की वैल्यू, मतलब बेसिकली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अगर बस मुझे ये ग्राफ ही याद रहे, मेंटली अगर पिक्चर में बना लूँ, तो फ्रॉम दिस ग्राफ इट इज क्लियर दैट कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में होगी, ग्राफ ऊपर है एक्स एक्सिस के, और साइन की वैल्यू नेगेटिव थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। तो साइन की वैल्यू, अगर मैं पूछूं कि साइन की वैल्यू साइन एक्स बराबर 0 कब होगा, तो साइन की वैल्यू 0 कब कब होगी, 0 पे होगी, 180 पे होगी, 360 पे होगी। साइन की वैल्यू 0 कब होगी, बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कब कब काटेगा, तो यहाँ पे भी काटेगा, यहाँ पे भी काटेगा, यहाँ पे भी काटेगा, साइन 0 भी 0 होगा, साइन 180 डिग्री भी 0 होगा, साइन 360 डिग्री भी 0 होगा। ठीक, साइन की वैल्यू मैं पूछूं 1/2 कब होगी, साइन की वैल्यू 1/2, यहां पे साइन की वैल्यू 1 है, 90 डिग्री पे 1 है, साइन की वैल्यू 1/2 कब होगी, तो साइन की वैल्यू 1/2, 1/2 कहीं यहां आएगा, साइन की वैल्यू 1/2 दो बार होगी, एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी और एक बार सेकेंड क्वाड्रेंट में भी होगी। अब अगर ग्राफ के नेचर की बात करें तो साइन ग्राफ कैसे बिहेव कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, यहां से यहां तक ग्राफ इंक्रीजिंग है, फिर मैक्सिमम है, फिर डिक्रीजिंग है, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में फंक्शन डिक्रीजिंग है, ग्राफ नीचे आ रहा है और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो यह है साइन फंक्शन का ग्राफ। सिमिलरली वाई बराबर एफ एक्स बराबर अगर बोले कॉस एक्स फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, 0, 90, 180, 270, 360, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो ग्राफ का नेचर कुछ ऐसे होना चाहिए, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है कुछ ऐसा, और कॉस 270 डिग्री की वैल्यू फिर से 0 होती है, कॉस 360 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। ये भी एक साइन टाइप का ही ग्राफ है लेकिन ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, रदर यहां से स्टार्ट हो रहा है। साइन के ही ग्राफ को अगर हम इतने पोर्शन को हटा दें
तो कॉस का ग्राफ यहां से स्टार्ट होने वाला ग्राफ है, कॉस की वैल्यू 0 पे 1 है। अगेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर ये ग्राफ हमें याद रहे तो हमसे कोई पूछे कि बताइए कॉस की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, बहुत सिंपल सी बात है, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉस की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस का ग्राफ डिक्रीजिंग कब होता है, यहां भी डिक्रीजिंग है, यहां भी डिक्रीजिंग है। पेन को अगर हम लेफ्ट से राइट के टोर्स लेके आए तो हाथ यहां भी नीचे आएगा, यहां भी नीचे आएगा। कॉस का ग्राफ इंक्रीजिंग कब होता है, यहां पे इंक्रीजिंग हो गया। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। अगला ग्राफ हम बनाते हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। एक्चुअली में हम सारे वो ग्राफ बना रहे हैं जो कि फिजिक्स के सिलेबस में हमें आगे कभी ना कभी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर फिलहाल के लिए इस टॉपिक को हम मैथमेटिक्स के रूप में ही पढ़ लें, इससे ग्राफ का एक आइडिया हमको मिल जाए, तो इसी चीज़ को हम आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ई e है, एक नंबर है ई, बेसिकली ई एक कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट ई e, इसकी वैल्यू अगर आप देखो किसी भी कैलकुलेटर पे, ई e का बटन होता है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। आप मैथ्स में पढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी वैल्यू 2.718 होती है। तो ई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है 2.718, और ये भी एक इरेशनल नंबर जस्ट लाइक पाई। तो वाई बराबर ई की पावर एक्स, तो इस बार जो एक्स वेरिएबल है वो पावर में है। तो अगर हम बोलें कि एफ जीरो कितना होगा, एफ जीरो मतलब ई की पावर जीरो, आपको मालूम है 1 के बराबर होगा। किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर हो जाएगी। अगर हम बोलें कि F1 कितना होगा, e की पावर 1, तो 2.7 ही हो जाएगा, 2.718 जो भी वैल्यू आ रही हो। अगर हम बोलें F2 कितना हो जाएगा, e स्क्वायर करीबन करीबन 7.5 के आसपास हो जाएगा, जो भी वैल्यू आए, 2.718 का स्क्वायर 7.5 के आसपास हो जाएगा। अगर हम बोले F-1 कितना हो जाएगा, e की पावर -1, तो ये 0.37 के आसपास आ जाएगी वैल्यू। इनका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होगा, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू 2.7 है, 2.7 कहीं यहां मान लेते हैं। x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू 7.5 कहीं यहां मान लेते। x की वैल्यू जब -1 है, x की वैल्यू, x नेगेटिव है, y नेगेटिव नहीं है, y की वैल्यू -0.37 है, तो y की वैल्यू क्या है, 0.37 कहीं यहां। इन सारे पॉइंट को जब आपस में जोड़ेंगे, द पैटर्न वी विल गेट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये है y इज इक्वल टू e की पावर x फंक्शन का ग्राफ। ऐसे ग्राफ को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ है, ऑब्वियस बात है कंटिन्यूस ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। सिमिलरली अगर हम बोलें वाई इज इक्वल टू ई की पावर -x का ग्राफ कैसा होता है, तो वाई इज इक्वल टू ई की पावर -x का ग्राफ बनाने के लिए जब हम रखेंगे एक्स की वैल्यू -1, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई आ जाएगी। एक्स की वैल्यू -1 तो वाई की वैल्यू ई, मतलब जब यहां पर एक्स की वैल्यू 1 थी तो वाई की वैल्यू ई आई थी, एक्स की वैल्यू -1 पर वाई की वैल्यू ई आ जाएगी। तो सर ग्राफ का पैटर्न कैसा होगा, ग्राफ का पैटर्न कुछ ऐसा ग्राफ होगा इसी की मिरर इमेज। ये वाई बराबर ई की पावर एक्स का ग्राफ है, ये वाई बराबर ई की पावर -s का ग्राफ है। इसकी मिरर इमेज बन गई इस लाइन के अबाउट। y बराबर e की पावर -s का ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक, तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस के डिफरेंट टाइप बताए, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया, और हमने ये देखा कि फंक्शंस को हम उनसे ग्राफ कैसे बना सकते हैं
और हमने डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ बनाए। बहुत सारे ग्राफ अभी हम और भी बनाएंगे आगे जाके फिजिक्स सिलेबस में, लेकिन जो हमने अभी डिस्कस किया है क्लास में, वो सारे ग्राफ अगर आपको याद रहें तो बहुत फ़ायदा होगा, खासतौर से साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आगे फिजिक्स में बहुत बार इस्तेमाल होता है, तो इसका ग्राफ का भी पैटर्न अगर याद रहे तो अच्छी बात है। तो ये वो फंक्शन है जो कि जिसको हम बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे।